सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, हम लोग अपने पर्सनल वाले बेडरूम में सो रहे थे, तो हम लोग सो करके उठ चुके हैं। तो यार हम लोग एकदम से यार रात में उठे थे। कल यार हम लोगों ने सुबह सुबह उठा था, बट यार आज रात हो चुकी है फिलहाल। हाँ यार, हम लोग इस वाले घर में चलते, क्योंकि यार इसका साथ से खाना ना रेडी हो चुका है। मुझे ना गाइस एक चीज़ बस इसमें देखना है कि वो चीज़ है भी या नहीं। मतलब यार मुझे एक चीज़ बस चेक करना था कि क्या है। वैसे यार मुझे ये देखना था कि इनमें से जो भी यार चीज़ वाला सामान है, जैसे यार ये हो गया, तो यार ये कितना चीज़ लेते हैं। तो ये एक चीज़ एक टाइम पे लेते हैं और बाकी सारे नट्स लेते हैं। तो मैं इसे भी अभी बना सकता हूँ, क्योंकि यार मुझे मेरे पास एक चीज़ पड़ा हुआ और ये चार स्टेप लेंगे। तो मैं इसे अब बनने के लिए छोड़ दिया हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा क्या सोच रहा कि अभी अपने पास पैसा यार अंधा पड़ा हुआ है, 11 मिलियन हो चुके हैं, और यार मैंने क्वेस्ट में यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगा करके रखे थे। मतलब एक तरह देखो यार, पैसा अपने पास अंधा पड़ा हुआ है। बट यार मैं सोच रहा हूँ ना गाइस कि अब ना हम लोग कुछ महंगे महंगे आइटम बनाते हैं खाने के लिए, क्योंकि यार अगर हम महंगे आइटम बनाएंगे तो उससे अपना जो बैच है वो जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। तो मैं आप लोग कुछ अपडेट देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बार आप लोग को उस साइड पर चल के दिखा देना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ना गाइस एक ये लगाए थे, ये डेयरी है, और इससे ना गाइस हमें चीज़ मिल जाता है, और हर 5 मिनट में मुझे यहाँ पे आकर के इन्हें मिल्क देना है और इनमें से चीज़ निकलेगा। तो गाइस यार आप लोग को बता दो कि अब जो हम लोग जानवरों को खाना खिला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाइस इनका जो दूध मिलता है उससे हम लोग चीज़ बना ही दे, और अपने जो खाने में महंगे महंगे चीज़ें हम लोग बनाएंगे तो वो यार काफ़ी अच्छी बात रहेगी फिलहाल। हाँ यार, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखो यार कितने सारे फीसेज। एवं मैं अपना स्टोरेज देख लेता हूँ। तो गाइस अभी एप्पल और वेजिटेबल फूल होना बाकी है। यार आप लोग देखो यार कितने सारे फीसेज है, सारों को यहाँ से पकड़ लेता हूँ, और आप लोग को देखना यार कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, इन सारों फीस को पकड़ करके लास्ट में आप लोग मेरा प्रॉफिट देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है मुझे बस इन फीस से ही। तो मैं आपको पकड़ने के बाद मिलूँगा, तब तक के लिए यार आप लोग बने रहना। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या किया, मेरे जितने भी सारे फीसेस थे मैंने सारों फीस को यहाँ पे पकड़ करके रख लिया, और गाइस अभी एक भी फीस नहीं बची है जिसे हम लोग पकड़ सकते हैं। तो बीच में मैं क्या किया, मैं फीस पकड़ पकड़ के सेल करते गया, और साथ ही ना साथ गाइस आप लोग यहाँ पे एक बार मेरे पैसे की तरफ ध्यान दो। ये यार टोटल 20K का अपने पास, 20 नहीं गाइस 200K का प्रॉफिट हो जाता अपने पास सिर्फ फीस से ही। तो आप लोग समझ लो कि हम लोगों ने फीस पाल करके कितना अच्छा काम किया है। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इनको ना गाइस अभी मैं खाना देता अपने बाकी सारे मुर्गियों को, क्योंकि यार मेरे हिसाब से ना अंडा जो अपना था वो ख़त्म होने आया है, और अंडा अगर ख़त्म हो गया तो यार हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे फिलहाल। हाँ यार मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सारे मुर्गियों को खाना दे देता हूँ। तो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास अभी ना गाइस ढेर सारे बैचेस हो रखे हैं, लेकिन यार आप लोग को पता है कि मैं इतने सारे बैचेस क्यों बना रहा हूँ। मैं उनसे ना गाइस एक ऐसी चीज़ें बनाने वाला हूँ जिसे यार आप लोग देख करके हैरान रह जाओगे, काफ़ी ओपी चीज़ बनने वाली है। बस गाइस आप लोग एक काम करो, इस वीडियो पे 10 लाइक का गोल है उसे बस कंप्लीट कर दो, काफ़ी छोटा सा टारगेट है यार, कर दो। फिर आप लोग को एक ऐसी चीज़ें मैं बना के दिखाऊंगा ना गाइस, आप लोग दंग रह जाओगे देख करके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना गाइस कि अभी अपने मुर्गियों को खाना हो चुका है, और यार ये ना काफ़ी महंगी महंगी मुर्गियाँ हैं। तो गाइस कल हुआ ऐसा था कि कल आप लोग को पता है कि अपना 10 मिलियन हो चुका था, बट यार 10 मिलियन होने की खुशी में मैंने यहाँ पे सारे जानवर को खाना खिला तो दिया, मैंने सारे जानवर को दावत दे तो दी, बट यार दिक्कत की बात ये हो गई कि हमने अभी भी यार अपने कई सारे जानवर ऐसे रह रहे हैं जो कि यार अपने दावत पे आए ही नहीं, मतलब यार वो लोग शॉप में ही रह गए। तो मैं सोच रहा हूँ ना गाइस कि अपने जो बचे खुचे जानवर हैं जितने अपने शॉप में रह गए हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट करके और ना गाइस उन्हें भी खाना खिलाने वाला हूँ, क्योंकि यार अपने पास पैसा अभी अंधा पड़ा हुआ। मैं यहाँ पे लैंड यहाँ पे बाय कर लिया, और सबसे पहले ना गाइस मैं यहाँ पे हॉर्स लगा देता हूँ, क्योंकि यार अपना हॉर्स जो है बाकी रह रहा था। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये वाले हॉर्स होंगे, नहीं यार ये वाले हॉर्स नहीं है, मेरे हिसाब से ये वाले हॉर्स है। तो हाँ गाइस ये वाले हॉर्स मैंने यहाँ पे सही सेलेक्ट किया है, तो मैं काम करता हूँ इसे फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ। और गाइस अब जो अपना हॉर्स का फैमिली है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने गाइस एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितने सारे जानवर अभी अपने रह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लगे हाथ इसे भी खाना दे ही देता हूँ, और मैं अभी देख लेता हूँ कि कितने सारे जानवर अपने रह रहे हैं लगाने के लिए। तो मैं सारों को यहाँ पे लगा लूँगा। और गाइस एक बार आप लोग देखो यार, अपना इधर जो है काफ़ी कम स्पेस बचा है, मतलब इधर हम लोग जानवर लगा ही नहीं सकते। और गाइस अब ना गाइस अब ऐसा हो कि हमें वो वाला प्रॉपर्टी भी बाय करना ही पड़ेगा,
वो वाला बाय करना पड़ेगा, एक ये वाला बाय करना पड़ेगा, और शायद सामने वाला, तो नहीं सामने वाला नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे ये दो चीज़ें, मुझे बस दो प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी, तब यार अपना जो जानवर का पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन यार अभी के लिए ना गाइस, मैं क्या करता हूँ, जितना जानवर हो सकता है मैं उतना अभी के अभी लगा दूंगा फिलहाल। हाँ यार, मैंने यहाँ पे रेबिट को भी, यहाँ पे जितने भी सारे थे उनसे मैंने गाजर कलेक्ट कर लिया। बट यार ये गाजर देते क्यों, ये तो यार इन्हें तो गाजर लेना चाहिए था। खैर छोरे यार, इनका जो भी थी ना, मैं अपने सीधे काम पे फोकस करता हूँ। और गाइस हम लोग जानवर जो है, बाकी बचे कुछ जानवर हम लोग उधर से लगाना शुरू करेंगे। और लगाते लगाते ना गाइस, मतलब यार मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा जानवर लग पाएंगे, तो जितने मेरे से पॉसिबल हो ना तो मैं उतने लगा लूँगा। तो गाइस ये अपने पास है, ये वाला गधा अपना बचा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला गधा जो है ये मैं सबसे पहले लगाता हूँ, और बाकी यार हम लोग बाद में देखेंगे कि और किसे लगाना है। मैं सबसे पहले अपने महंगे महंगे आइटम जो है वो सारे लगा लेना चाहता हूँ, तो बाद में ना गाइस इतना टेंशन रहेगा नहीं, बाय चांस अगर क्वेस्ट आ गया तो यार अचानक से कुछ भी इतने महंगे चीज़ें स्पेंड करने में यार अजीब लगता है, मतलब यार ठीक नहीं रहता इतने महंगे चीज़ें अचानक से देने में। तो इसीलिए ना गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, जितने महंगे चीज़ें हैं ना, पैसा होते होते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारों को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। और गाइस मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने सारे जानवर को यहाँ पे लगा करके फिर आप लोग को एक फाइनल लुक दिखा दूंगा कि अब जो अपने फार्म है, मतलब जानवर वाले सेक्शन है, वो यार कैसे लग रहे हैं। बाकी यार मैं क्या करूँगा, ऑफलाइन ना मैं कोशिश करूँगा कि वो दोनों प्रॉपर्टी उस साइड पे जो जितना है मैं उसे बाय कर लूँ, और उनमें भी ना गाइस मेरे जितने बचे खुचे जानवर हैं मैं उसमें भी भर दूँ, मतलब यार अपना पूरा का पूरा जानवर भरने वाला है यहाँ पे। तो लेकिन यार बहुत सारे जानवर ऐसे भी है जो कि अपना अनलॉक हुए ही नहीं है, तो यार मुझे वो भी तो लगाने हैं। बट यार मैं एक काम करूँगा, जैसे जैसे अपना अनलॉक होते जाएगा शायद से हो सकता है कि तब तक अपने पास डायमंड कई सारे हो जाए, तो मैं एक काम करूँगा वो वाले प्रॉपर्टी बाय कर लूँगा। मैं काम करता हूँ अपने सारे जानवर को लगा करके आप लोगों को एक फाइनल लुक दिखा दूँगा लास्ट में। सो गाइस यार मैंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जितने भी सारे मेरे जानवर बचे हुए थे मैंने उसे यहाँ पे लगा लिया। और ना गाइस अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले अपना आता है ये ब्राउन वाला गधा, जो कि यार काफ़ी बेकार लग रहा है और है काफ़ी महंगा, तो मैं चलता हूँ अब इसके तरफ। तो ये ना गाइस ये बूढ़ा टाइप का कोई घोड़ा है, या पता नहीं इसके शरीर में कोई जानवान लग भी नहीं रही है, बट यार ये काफ़ी ज़्यादा खाना भी खाते हैं। और ये रही अपनी प्यारी सी गाय माता, जो कि यार काफ़ी है भी अच्छी और उतना खाना भी नहीं खाती है, बट यार देती है। और ये रही अपने ऑस्ट्रेलियन गोट, यार देख के तो ऑस्ट्रेलियन लग नहीं रही, अपने लोकल वाली गोट लग रही है। खैर छोड़ो यार, इनका ऐसे ही चलने दो। और यहाँ पे गाइस मैंने पहली बार एक लामा लगाया, जो कि यार ये ना गाइस इतना प्यारा लगता है ना, मुझे मन करता है इसे अपना फेवरेट बना लो। और मैं चलता हूँ इधर से अपने बाबा ब्लैक शिप के पास। तो गाइस एक बार इसे देख लो, मैंने गाइस क्या किया कि इन सबको अभी के अभी लगा के ना इन्हें खाना भी खिला दिया। और लास्ट में यार आप लोग इनसे मिल लो, ये अपनी नई वाली एक चिकन है, जो कि यार पता नहीं गाइस इसका लुक कैसा सा लग रहा है। तो गाइस अभी के लिए ना मैंने इतने ही सारे जानवर खरीदे हैं, तो अभी आप लोग मेरा पैसा देख लो, अभी अपने पास 5 मिलियन ही बचे हैं। मतलब यार एक बार सोचो यार, ये लोग कितना सारा टोटल देखा जाए ना गाइस, तो इनको बस इतना सा ही लगाने में मुझे टोटल 6 मिलियन का लग गया पैसा। तो साथ ही साथ ना गाइस मैंने इन्हें खाना भी खिलाया था। तो खैर छोरे यार, अपना पैसा आते जाते रहेगा, बस जानवर आ जाने चाहिए थे। तो मैंने गाइस कल 10 मिलियन की खुशी में अपना पार्टी भी कर दिया, सारे जानवर को खरीद भी लिया। और अब ना गाइस, अब जो भी जानवर मुझे लेने पड़ेंगे मुझे इस वाले प्रॉपर्टी में लेने पड़ेंगे। और एक बार प्राइस आप लोग इनका देख लो कि 5.63 के डायमंड है। तो खैर छोरे यार, हम लोग उतना कर लेंगे, मैं ऑफलाइन खेल के भी इसे कर लूँगा। अब ना गाइस मैं चलता हूँ सीधे अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी चीज़ बनने के लिए आ रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे चीज़ बनने के लिए दे देता हूँ। और ना गाइस मैं इसे ना अभी एक और लगाने वाला हूँ, क्योंकि यार इनका काफ़ी ज़्यादा जोड़ी पड़ता है। वैसे यार इनका प्राइस तो 40 डायमंड ही है, बट यार खैर छोरे यार इतना चलता है। मैं एक काम करता हूँ इसे 3 लगा देता हूँ, क्योंकि यार अभी अपने पास दूध की कमी होने वाली है नहीं, अपने पास दूध देने के लिए काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, काफ़ी सारे गाय हैं, तो इतने सारे चीज़ें हैं कि अपने पास दूध की कमी होने वाली है नहीं। तो इसीलिए मैं अभी टोटल 3-3 चीज़ स्टैंड लगा दिया, इतना यार अपने लिए काफ़ी है। और हम लोग ना गाइस चीज़ वाला खाना ही बनाएं, क्योंकि यार अपने पास पैसा अभी अंधा पड़ा है। वैसे यार जानवर में तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, बट यार उतना प्रॉफिट अपने को बाद में मिल जाएगा, तो अभी अपने पास पैसा अंधा पड़ा है। तो हम लोग टोटल 2 घरों में, तो हाँ गाइस हम लोग टोटल 2 घरों में ना जो महंगे वाले खाने होते हैं वो बनाएंगे।
तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे फ्रूट अपना सेल कर देता हूँ। और गाइस अभी आप लोग को एक बात बताता हूँ तो आप लोग को हंसी आ जाएगी। फिलहाल हाँ यार मुझे सेल करने दो, फिर मैं आप लोग को उधर चल के दिखाता हूँ कि अभी अभी अपने साथ क्या हुआ। तो आप लोग को पता हो कि मैंने यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी बाय किया था इस जगह पे, जो इस जगह पे जो अपना प्रॉपर्टी हुआ करता था इसके पीछे साइड पे, अभी मैंने उसे जब बाय किया उससे यार हुआ ये कि अपना जो ये वाला बाउंड्री था वो यार उससे कनेक्टेड था। और प्रॉपर्टी बाय करने के साथ ही साथ गाइस यहाँ का पूरा बाउंड्री गायब हो गया, तो मुझे यार इसे भी अभी रिपेयर करना पड़ेगा। तो खैर छोड़ो यार, ये अपने सस्ते वाले फेंस थे, तो मैं क्या करता हूँ इसे फटाफट से यहाँ पे जितने भी सारे फेंसेस थे अपने, मतलब यार एक साइड के फेंस में पूरे के पूरे रिपेयर कर देता हूँ। तो यार ये अपने टोटल 1 डायमंड लेते हैं एक फेंस के, तो मैं इसे सारों में वहाँ पे लगा देता हूँ। और अपना मौसम भी यहाँ पे बदल चुका है। तो गाइस यार फाइनली मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे फेंस यहाँ पे बचे खुचे थे मैंने इनको रिपेयर यहाँ पे कर दिया। और गाइस अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना भी सारा अपना बनने के लिए तैयार होना था मैंने उसे भी लगा दिया। बस यार अपना ये बाकी यार कीवी फ्रूट अपना रह रहा है तो हम लोग उसे कर देंगे। और ये वाला ना गाइस क्विस्ट आ रखा था, तो मैं फ़िलहाल के लिए इस जगह पे चलता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने ये लगा करके रखा था। तो मैं ना गाइस क्या करता हूँ अभी कभी इसे सेल कर देता फिलहाल। हाँ यार यहाँ पे ये भी सेल करने के लिए आ रखा, मैं इसे भी यार कितने सारे चीज़ें सेल करने के लिए, मैं इसे भी अभी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और अब ना गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेस्ट देखें कि अपना नेक्स्ट क्वेस्ट क्या होने वाला है। तो गाइस यार अपना क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और अपना गाइस अपने से क्या मांगे जा रहे हैं मैं एक बार खोल करके देख लेता हूँ यहाँ पे अपने लोग को। तो गाइस अपने को ये वाले पेड़ मांगे जा रहे हैं और ये रेड पाइन मशरूम मांगे जा रहे हैं जो कि यार 90 है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इनका सीज़न अभी चल भी रहा है या फिर नहीं। तो गाइस अभी नहीं चल रहा है सीज़न, और अभी गाइस बट इनका सीज़न चल रहा है। तो मैं काम करता हूँ मैं सीधे ना गाइस मैं इस जगह पर चलता हूँ जहाँ हमने ये लगा करके रखा है। तो लोग गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए और इसे मैं अभी कभी तोड़ दे। वैसे यार ये वाले जो पेड़ है ना अपने पास काफ़ी कम हो रखे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस कि कुछ अपने पेड़ की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यार अभी अपने पास जो क्वेस्ट आ रहे हैं वो यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मांग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उनकी क्वांटिटी को अभी बढ़ा दें तो यार उससे होगा कि अपना क्वेस्ट जल्दी जल्दी कम्प्लीट भी हो जाएगा। और जो गाइस अपने को मेडल चाहिए जो कि यार हम लोग उससे कुछ ओपी चीज़ बनाने वाले हैं तो वो भी यार हम लोग जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। लेकिन हाँ यार ये सब तो मेरे पास आ जाएगा, बट यार आप लोग को जो मैंने टारगेट दिया वो यार बस कंप्लीट कर देना। मैं फिर आप लोग को याद दिला देता हूँ। और लो गाइस यहाँ पर भी ये वाले पेड़ लगे हुए इस वाले घर में, ये जो अपना स्मिथी का घर है मैंने यहाँ पे भी 4 लगा के रखे, मैंने बस इसे 100 के लिए लगा के रखा था, बट यार ये अभी ना यहाँ पे काम आ रहा है तो मैं इससे भी यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल हाँ यार अपना सारा काम हो चुका है, फिर से मैं अपने क्वेस्ट को देख लेता हूँ। तो अभी अपने को ये चाहिए, ये गाइस अपने हो चुके हैं। अपने को ये वाले फ्लावर चाहिए, मैं एक बार फ्लावर जाकर के फ्लावर के सेक्शन में एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ्लावर में। तो हाँ गाइस ये उग करके बन के तैयार हो चुके हैं, मैं बस इसे तोड़ लेता हूँ और शायद से ये अभी अपना क्वेस्ट कम्प्लीट हो जाएगा। तो लो गाइस अपना क्वेस्ट ये वाला भी कम्प्लीट हो चुका है और अपने पास यार काफ़ी ज़्यादा बैचेस हो रखे हैं, हो गए जो कि यार 101 है टोटल। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, हमें अपने पास जितना भी बैच रहेगा हम लोग उतनी अच्छी तरीके से इसे बना सकते हैं। बस यार अपना गोल कंप्लीट कर देना आप लोग, बाकी यार बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे बाकी बचे कुछ फ्लावर को भी हार्वेस्ट कर लिया। और अगर आप लोग को अभी मैप में दिखाओ, अपने मैप खोल के मैं दिखा देता हूँ, तो अभी अपने पास फ्लावर
चारों में से किसी का भी सीजन अभी नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहीं लगा देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे जितने भी सारे येलो जुकचिनी थे मैंने इसे भी लगा दिया। तो अब ना गाइज अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपने घर पे चलता हूँ और यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेल भी कर देता हूँ लगे हाथ। खैर छोड़ यार, हम लोग बाद में बड़े वाले शॉप में सेल कर देंगे, तो मैं अपने घर चलता हूँ। तभी ना गाइज अपने पास सारी की सारी चीज़ें जो जो हम लोग को चाहिए वो सारी चीज़ें, बस यार अब जो अपना टारगेट होने वाला है वो यार टारगेट अपना ये होने वाला है कि अभी हमें अपने पास बच्चे कुछ चीज़ों को ही ना काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करना, उसे बढ़ाना है और उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। तो फिलहाल हाँ यार मैं अपने बेडरूम में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। तो हाँ गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।